हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम प्रेशर कुकर देखेंगे हॉकिंस की तरफ से आने वाला। लेकिन ये है टॉय कुकर जो कि एकदम असली जैसा दिखता है। ये देखो डब्बे से बाहर आ गया है, एकदम ओरिजिनल सा ही दिखता है, विद गैस्केट आता है। इसका ढक्कन वक्कन सब नॉर्मल कुकर जैसे ही खुलता है। 185 रुपीज़ का ही आया है और इसकी MRP भी 185 रुपीज़ है। ये हॉकिंस के तरफ से आता है, मैन्युफैक्चरिंग भी उनकी ही है, 2020 सितंबर का है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सारा, 4 साल के बच्चे हो तो ये अडल्ट के सुपरविजन में ही यूज़ करें इसको। और ये नॉन वर्किंग कुकर है, एल्यूमिनियम बॉडी के साथ आता है। बाकी सारी डिटेल्स आप पॉज करके पढ़ सकते हो। हम इसको असली में देखेंगे अच्छे से, ये कैसा दिखता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। चलो फिर वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर देता हूँ, इसको अनबॉक्स कर देता हूँ मेरे कटर से। एकदम छोटू से प्यारे से बॉक्स में आया है, लाइट वेट है, काफ़ी ज़्यादा हैवी भी नहीं है। इसको मैं खोल देता हूँ, अंदर क्या है, अंदर ये थैली में पैक्ड है विथ रबर बैंड और कुछ भी नहीं है, एकदम असली कुकर जैसा ही दिखता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा छोटा सा। इसको मैंने क्यों मंगाया है, ऐसे ही मंगाया, अच्छा लग रहा था पकड़ने में ही, एकदम हैवी ड्यूटी लग रहा है, एकदम छोटू सा है, जैसे नॉर्मल कुकर होते हैं वैसे इसको खोलना बंद करना होता है। और ये देखो कुछ बिल्ड क्वालिटी ऐसी दिख रही है, हॉकिंस की ब्रांडिंग दी गई है, एल्यूमिनियम बॉडी है, ढक्कन वगैरह अंदर से एकदम सब कुछ एकदम सिमिलर दिया गया है इसका, ओरिजिनल जैसा ही दिखता है, मतलब बड़ा कुकर जैसा होता है वर्किंग वाला। और सिर्फ 185 रुपीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉय है, खिलौना है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। देखो हॉकिंस की ब्रांडिंग वगैरह दी गई है, फिनिश कितना अच्छा दिया गया है। चलो अब इसका लिड देख लेते हैं। कुकर तो हमने देख ही लिया, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लिड भी वैसे अच्छी क्वालिटी का ही लग रहा है, जैसे एकदम ओरिजिनल वर्किंग होता है, सेम टू सेम वैसा ही लग रहा है। इसमें ना सेफ्टी वाल्व वगैरह सब कुछ दिया गया है और सीटी भी दी गई है, लेकिन इसकी सीटी जो है वो टोटली फिक्स होती है, वो निकलती नहीं है। और इसमें गैस किट दिया गया है, जैसे नॉर्मल कुकर में होता है वो निकल जाता है, नॉर्मल जो लॉक आता है हॉकिंस के कुकर में वैसा ही इसमें भी लॉक दिया गया है, वो भी ठीक ठाक क्वालिटी का है। हैंडल मुझे लगता है थोड़ा मजबूत हो सकता था। और चलो अब इसको बंद करने की ट्राई करते हैं, ये बंद करना मुझे आता नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब कैसे करते हैं वो तो मुझे पता नहीं, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अरे यार ये जा ही नहीं रहा, इसी का ढक्कन है ना, ढक्कन तो बदल नहीं गया, साइज़ तो इसी के साथ आया था, है तो इसी का ही। वो एक ट्रिक से डालना होता है, अभी मैं सीख रहा हूँ कैसे डालते हैं। आई होप चला जाए अच्छे से, टूटे ना, वैसे टूटेगा तो नहीं, कुकर काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी है यार। टूट गया तो इसके ऊपर वारंटी आती है क्या? नहीं, कोई वारंटी नहीं है इसके ऊपर। देखो कुछ इस तरीके से बंद हो जाता है कुकर, मैं भी पहली बार कर रहा था, मुझे नहीं पता था इसका ढक्कन कैसे जाता है। एंड अभी आराम से बैठ गया है, अभी प्रॉपरली बैठ जाएगा। दोस्तों अगर आप भी इस कुकर को बाय करना चाहते हैं तो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बहुत ही अच्छा तोहफा है छोटे बच्चों के लिए। मैं और भी काफ़ी सारे टॉयज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे थम्स अप बटन दे दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच। दोस्तों मेरे चैनल पे ना और बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप वो भी चेकआउट कर लो, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। आपकी कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी हो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।